जिले में भाजपा महिला मोर्चा ने विजय संकल्प दिवस महिला सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा की महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष दर्शना सिंह ने केंद्र सरकार की महिलाओं के प्रति किए गए कार्य को एक तरफ से गिनवाया, साथ ही उन्होंने आजम खान द्वारा जया प्रदा पर की गई टिप्पणी पर कहा कि आजम जहां जाएंगे उन्हें महिलाएं चूड़ी भेंट। डुमरियागंज से बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान। आजम खान के महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी पर दिया बयान, कहा डुमरियागंज लोकसभा में नहीं घुसने देंगे आजम खान को। पेश है सिद्धार्थनगर की यह खास रिपोर्ट। देखिए, पहले तो मैं उनके बयान पे पूरी महिला शक्ति की तरफ से कठोर निंदा करती हूँ और चुनाव आयोग से इस बात के लिए निवेदन करती हूँ कि उसको संज्ञान में लेकर उन पे कड़े से कड़े कार्रवाई करने के। हाँ, मैंने बोला कि जब भी यहाँ पर आजम खान जी आए, जो कि संपूर्ण महिला समाज का उन्होंने अपमान किया है, तो बहनें उनको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगी। जो व्यक्ति हमारी मातृशक्तियों का अपमान करे, माताओं बहनों का अपमान करे, उसका सिद्धार्थनगर की धरती पे कदाप आगमन नहीं होगा। प्रियंका वाड्रा को भी तो बोलना चाहिए, जो आजम खान ने कहा उस पे क्या प्रियंका वाड्रा नहीं बोल सकती? डिंपल यादव जो अखिलेश की पत्नी है, क्या वो नहीं बोल सकती? वोट किसी को दिया जा सकता है, कोई सपा को दे, कोई बसपा को दे, कोई कांग्रेस के दो, कोई भाजपा को दे।